अगला सवाल क्या है? अ वर्टिकल स्टिक 15 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर. ठीक है, एक 15 मीटर लॉन्ग की स्टिक है जो कि 12 मीटर की यहाँ पे शेडो कास्ट कर रही है, इस तरीके से हो गया. ठीक है, उसने बोला दूसरा एक तार है जिसकी जिसकी लेंथ यहाँ पे 50 है. ठीक है, जिसकी शेडो यहाँ पे 50 है, तो हाइट ऑफ द तार, तो ये कुछ नहीं, सिमिलैरिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर 12 की मतलब ये रहेगा 50 अपॉन में 12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 15. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 अपॉन 2 62.5, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो गया. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला सवाल करते हैं. अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 टू 65 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. कौन सा नंबर इसे माइनस करना है? तो यार इसका तो वही है जो अपना डिवीजन वाला मेथड होता था, वो करके देखते हैं जल्दी से. ठीक है, ये वाला जो होता था स्क्वायर निकालने वाला. ठीक है, तो वन, ये वन पे चला जाएगा, जीरो हो गया, ये टू और इधर आ जाएगा टू, नहीं इधर आ जाएगा ये, और इधर 82 बचेगा, इधर ये 23 पे चला जाएगा, 23 और ये 3 पे गया, 69 हो जाएगा. 69 को अगर मैं करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1165. कैलकुलेशन बिल्कुल मैं देखता रहूंगा, देखो कैलकुलेशन स्पीड भी बना के रखनी है और कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है कि गलत ना हो, है ना, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी. तो उसके हिसाब से चलो देखते हैं यहाँ पे, है ना, 23 और ये 26 हो जाएगा, 26 यहाँ पे कितने पे जाएगा, 263 पे, नहीं नहीं 263 नहीं, 265 का करके देखते हैं तो कितने पे जाना चाहिए, 265 का, एक सेकेंड, हाँ ये रहेगा 13 रहेगा, बिल्कुल 265. पांच पे निकालेंगे तो कितने पे जाएगा, 13 13, ठीक है पूरा ही करके देखते हैं यार, गलती ना हो जाए, 5 5 25 6 5 32, हाँ 25 पे जाएगा ना, 13 25 हो जाएगा, यानी कि कितना माइनस करना पड़ेगा, 40 माइनस करना पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन सी हमारा ये करेक्ट आंसर होना चाहिए. क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर. आई होप समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये भी, है ना, बहुत सिंपल सा, 40 हो जाएगा.